इस असीम ब्रह्मांड में जिंदगी की खोज हमेशा से ही एस्ट्रोनॉमर्स का पहला उद्देश्य रहा है। ऐसे में पूरे सोलर सिस्टम में जिंदगी की तलाश को लेकर किसी भी ग्रह से ज्यादा तवज्जो मंगल ग्रह को दी गई है। मंगल ही वो ग्रह है जिसने हम इंसानों को अपनी ओर सबसे अधिक आकर्षित किया है। एक सदी लंबे स्पेस एक्सप्लोरेशन में इंसानों ने मंगल को ही एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए सबसे उत्तम पाया। यही वजह है कि यहाँ सबसे अधिक अब तक पूरे 50 प्लैनेटरी मिशंस भेजे जा चुके हैं और लगातार इंसान फर्दर मिशंस को प्लान कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि आखिर इस छोटे से ग्रह में वो कौन से रहस्य छिपे बैठे हैं जिन पर इंसानों की खोज खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। वो क्या कारण है कि हर एक नई खोज असमंजस और तिलिस्म की नई परतें खोलकर रख देती है। वेल, इन सभी सवालों और रहस्यों का पर्दाफाश करने के लिए हमें चलना होगा रेड प्लैनेट यानी मंगल ग्रह की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये सफर। मंगल के इस सफर में सबसे पहले मुलाकात होती है इस ग्रह की रहस्यमय कॉम्पोजिशन से। जिस तरह हमारा ग्रह पृथ्वी ढेरों जियोलॉजिकल फीचर से भरपूर है, कहीं नदी है तो कहीं समंदर, कहीं खाई है तो कहीं पहाड़। जिस तरह धरती पर हर कुछ मील की दूरी पर लैंडफॉर्म्स में बदलाव देखने को मिलता है, मगर हमारे पड़ोसी ग्रह मंगल के साथ ऐसा नहीं है। मंगल की अनूठी जियोलॉजिकल कंपोजिशन के चलते उसके दोनों हेमिस्फीयर्स में अलग अलग ज्योग्राफी पाई जाती है। जहां एक ओर मंगल का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सपाट और भीतर की ओर धंसा हुआ मालूम पड़ता है, वहीं दूसरी ओर साउदर्न हेमिस्फीयर में बहुत से जियोलॉजिकल वेरिएशंस पाई जाती हैं। मंगल के दक्षिणी गोलार्ध में पृथ्वी की ही तरह पहाड़, ज्वालामुखी और दर्रे पाए जाते हैं। केवल इतना ही नहीं, खासकर मंगल को उस पर एक्सक्लूसिवली पाए जाने वाले कैनियंस, एंशिएंट रिवर्स और विशालकाय इंपैक्ट क्रेटर्स के लिए भी जाना जाता है। मंगल की जियोलॉजिकल कंपोजिशन पर रिसर्च कर रहे वैज्ञानिकों का यह मानना है कि इस ग्रह के एपिक जियो वेरिएशंस का सबसे अहम कारण आज से कई हजार साल पहले हुआ एक टकराव था। टकराव एक विशालकाय एस्टेरॉयड से। माना जाता है कि जब वो जाइगेंटिक एस्टेरॉयड मंगल की उत्तरी सतह से टकराया तो उसके चलते एक बेहद बड़ा इंपैक्ट क्रेटर बना। एक इतना बड़ा इंपैक्ट क्रेटर कि उसके असर से मंगल की पूरी सतह ही धस गई। खैर, वक्त बीता और कुछ सदियों बाद ही जियोलॉजिकल प्रोसेसेस के कैरी आउट होने के चलते नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की पूरी जमीन एवरेज टेरेन से नीचे चली गई। यही कारण है कि आज हमें मंगल इतनी अजीब जियोलॉजिकल कंपोजिशन के साथ नजर आता है। और न केवल इस ग्रह की जियोग्राफी बल्कि इसके इकोसिस्टम के उजड़ने के पीछे भी यही तर्क सबसे मजबूती से खड़ा हुआ है। एनीवेज, जैसे जैसे हम मंगल की सतह के नजदीक पहुंचते जाते हैं तो हमें सतह पर बनी आकृतियां और भी स्पष्ट रूप से नजर आने लगती हैं। खासकर मंगल की सतह पर न जाने कितनी ही जगह पाई जाने वाली ये दरारें और नालियां चीख चीख कर ये सबूत देती हैं कि कभी न कभी तो इस ग्रह पर हमारी धरती की ही तरह नदियां और झीलें हुआ करती थीं। पानी के बहाव से कटी हुई मिट्टी आज देखने में दरारों सी नजर आती है। ये मंगल ग्रह पर अलग अलग मात्रा और स्थानों में मौजूद है। पानी के इन्हीं उजले सबूतों को वैज्ञानिकों ने एंशियंट रिवर्स और लेक्स का नाम दिया है। जहां तक बात रही इस ग्रह पर लिक्विड वाटर यानी पानी के तरल रूप में मौजूद होने की, तो बेशक हालिया स्थिति के हिसाब से तो यह नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि इस वक्त मंगल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम है, इतना कि यहां पानी अपनी तरल अवस्था में कायम ही नहीं रह सकता। नासा के शुरुआती मिशन से ही इंसानों ने इस फैक्ट का पता लगा लिया था कि मंगल की सतह पर महज धरती का 1% जितना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर मौजूद है। मंगल पर इंतहाई कम वायुदाब का कारण है यहाँ पर मौजूद बेहद ही विरल वायुमंडल। जी हाँ, जब किसी ग्रह के वायुमंडल में हवा मौजूद ही नहीं होगी तो हवा का दाब कैसे उत्पन्न होगा। और यही पॉइंट है हमारी इस मंगल यात्रा का यू टर्न, जहाँ से हम एक बार फिर अपनी यात्रा का रुख मोड़ मंगल के आसमान में चलेंगे और जानेंगे कि आखिर इसके ना के बराबर से लगने वाले वायुमंडल में कौन कौन से रहस्य दफन हैं। दोस्तों, मंगल का वायुमंडल धरती से बेहद भिन्न है। जहां एक और धरती की एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसी भारी गैसों पर निर्भर करती है, तो वहीं दूसरी ओर मंगल का वायुमंडल पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड से भरा पड़ा है। नासा की मार्स साइंस लेबोरेटरी से मिली जानकारी के अनुसार मार्स की विचित्र वायुमंडलीय रचना के चलते यहां बेहद हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट होने के बावजूद भी एक्टिव ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट नहीं हो पाता है। मार्शियन एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स की लो कंसंट्रेशन और ना के बराबर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होने के कारण यहां सन की हीट ट्रैप नहीं हो पाती और हर शाम ढलने के साथ ही सतह से टकराकर मोस्टली सूरज की किरणें वायुमंडल को एस्केप कर जाती हैं, जिस कारण मंगल ग्रह का औसत तापमान
-63 डिग्री सेल्सियस के करीब बना रहता है, जो कि यहाँ जीवन पनपने की राह का सबसे बड़ा रोड़ा बनकर सामने आता है। तो दोस्तों, जहाँ मंजिलें दूर होती हैं, वहाँ लक्ष्य हासिल करने में थोड़ी तकलीफ तो होती ही है। ठीक हमारी इन वीडियोस की ही तरह, जिस तरह इन्हें बनाने में हमें कठिनाइयां तो आती ही हैं, मगर हमारा साथी कोको एफएम हमारी सारी समस्याओं का समाधान करता है। जब हम ब्रह्मांड के अनंत सफर पर निकलते हैं तो हमारी राह को आसान बनाती है सर स्टीफन हॉकिंग की किताब द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, जो आपको ले जाएगी ब्रह्मांड के अनंत सफर पर, जहां आप समझेंगे ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट, सिंगुलैरिटी की थ्योरी, वो भी हिंदी में, सिर्फ और सिर्फ कोको एफएम ऐप पर मौजूद इन ऑडियो बुक समरीज के माध्यम से। कोको एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको मिलेगा 100 से भी ज्यादा घंटों का फिक्शनल, नॉन फिक्शनल और एजुकेशनल कंटेंट। यहां पर मौजूद हैं बुक समरीज आपकी अपनी रीजनल लैंग्वेज में। तो जिन किताबों को आप आज तक पढ़ना चाहते थे, आज आप उन्हें आंखें बंद करके सुन भी सकते हैं, वो भी अपनी इमेजिनेशन के साथ। कोको एफएम पर आपको इतना कुछ मिल रहा है, तो एक ऑफर मेरी तरफ से भी। कोको एफएम को सब्सक्राइब करते हुए यूज कीजिए कूपन कोड होली50 और आपको मिल जाएगा इस होली पर पूरे 50% का ऑफ। तो है ना ये फायदे का सौदा। तो इस ऐप का डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट पिंड कमेंट में मिल जाएगा। क्लिक ऑन द लिंक बिलो एंड सी द वंडर ऑफ द यूनिवर्स। सो लेट्स गेट बैक टू द वीडियो नाउ। आखिर में आइए अब मुलाकात करते हैं मंगल पर पनप रही जिंदगी से। क्या मंगल ग्रह पर वाकई में कोई जिंदगी मौजूद है? आखिर मंगल ग्रह पर मौजूद प्राणी दिखते कैसे होंगे? क्या वो हम इंसानों से बात कर सकते हैं? ये वो सवाल हैं जो अक्सर हमारे मन में आते हैं जब हम मंगल पर जिंदगी की कल्पना करते हैं। लेकिन हकीकत में अगर मंगल पर वाकई में कोई जिंदगी पनप भी रही होगी, तो वो हमारी कल्पना से मीलों दूर किसी वीरान पड़े हिस्से में विचित्र रूप धरे अपने सफर में बढ़ रही होगी। वो कुछ ऐसे क्रिएचर्स होंगे जो हमारी समझ से ही परे होंगे। उनकी जरूरतें शायद हम इंसानों से अलग हों। हो सकता है कि वो हम जैसे दिखते भी न हो और हमें अपने लिए खतरा समझते हों। ऐसे में ये बेहद जरूरी है कि मंगल पर जिंदगी की तलाश में हम इंसान पूरी तरह से सावधानी बरतें। आइए अब सवार होते हैं अपने इस प्रोब पर और करते हैं मंगल की एक सॉफ्ट लैंडिंग और इस ग्रह को इतनी नजदीक से देखते हैं जैसा आज तक हमने कभी नहीं देखा। सो इट्स लैंडिंग टाइम। तो दोस्तों, मंगल ग्रह की सतह पर तो हम आ गए, मगर यहाँ हमें कोई दिख क्यों नहीं रहा? वो लोग कहाँ हैं जिनकी तलाश में हम अपने घर से इतनी दूर इस अनजान ग्रह पर आए हैं? वेल, जहाँ तक बात यहाँ पाई जाने वाली जिंदगी की है, तो उसे देखने के लिए हमें मंगल की मिट्टी पर नजर डालनी होगी। जी हाँ, यही मिट्टी जो इस ग्रह पर चारों ओर फैली हुई है, इसी मिट्टी में मौजूद हैं इस ग्रह के प्राणी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझा आपने। यहाँ मौजूद प्राणी किसी माइक्रोबियल स्वरूप में ही पनप रहे हैं। यहाँ जिंदगी अपनी इनिशियल स्टेज पर है, ठीक इंसानों की तरह, जिस तरह मानव सभ्यता ने भी सिलसिलेवार ढंग से विकास किया और एस्ट्रेलोपाइथेकस से आज आधुनिक दिखने वाले होमो सेपियंस तक का रूप धारण किया है, ठीक इसी प्रकार ये क्रीचर्स भी माइक्रोबियल फैक्टर से टेरेस्ट्रियल जीवों तक का सफर तय करेंगे। आज से पहले वाले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि आखिर कैसे बीते वक्त में नासा के वाइकिंग लैंडर और क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल की बेजान मिट्टी में पनप रही जिंदगी की तलाश की थी। उन एक्सपेरिमेंट्स की डिटेल्ड जानकारी पाने के लिए आप आई बटन में रेकमेंडेड हो रही वीडियोस को भी देख सकते हैं। यहाँ का रहस्य हम पहले ही उद्घाट कर चुके हैं, मगर वास्तविक तिलिस्म तो इस मिट्टी से दूर साउदर्न हेमिस्फीयर के पोलर रीजन में छिपा हुआ है। यूँ तो हमने कई बार इन पोलर रीजन्स में जमी हुई आइस कैप्स के दृश्य देखे हैं, जो मार्स पर पानी की मौजूदगी पर मोहर लगाते से दिखते हैं, मगर यहाँ वैज्ञानिकों का असल फोकस मंगल पर पानी को तरल रूप में खोजना है, जो कि अभी के हिसाब से तो असंभव सा मालूम पड़ता है। मगर कुछ रिसर्चेज ये बताती हैं कि मंगल पर आज भी भारी मात्रा में तरल पानी मौजूद है। लेकिन ऐसा मुमकिन कैसे हो सकता है? एक और तो हमने आपको बताया कि मार्स पर पानी को लिक्विड रूप में हासिल करना नामुमकिन है, और इसका बड़ा कारण वहाँ मौजूद सर्द फिजाएं और एटमॉस्फेरिकल कॉम्पोजिशन माना जाता है। पानी तरल रूप में तो मंगल की सतह पर नहीं मिल सकता, मगर सतह के नीचे जमीन के भीतर तो पाया जा सकता है ना। हाल ही में एक रिसर्च रिपोर्ट ने यह दावा किया है कि पूरे मंगल ग्रह पर केवल एक ही स्थान पर पानी तरल रूप में मौजूद है, और वो स्थान कोई और नहीं बल्कि मार्स के पोल्स ही हैं। यहाँ जमी हुई आइस कैप्स के नीचे भारी पैमाने पर तरल पानी की झीलें मौजूद हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह हम धरती पर ग्लेशियर्स के नीचे देखते हैं। अब इस दावे में कितनी हकीकत है और कितने फसाने, ये आने वाला कल ही बताएगा।
बाकी आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताना बिल्कुल भी न भूलें। बाकी दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और दोस्तों में शेयर करना भी बिल्कुल न भूलें। साथ ही अगर आप डॉक्यूमेंट्री लाइब्रेरी पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें, ताकि एस्ट्रोनॉमी और स्पेस साइंस की वीडियोस आप पा सकें सबसे पहले। दोस्तों, कुक एफएम को डाउनलोड करना भी बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वहां पर चल रही है होली सेल, जहां आपको मिलेगा पूरे 50% का ऑफ। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी, नमस्कार।